स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की पॉइंट स्नो ड्रॉप जो लिखी है टेड ह्यूज में और स्नो ड्रॉप होता है एक व्हाइट फ्लावर जो कि कब उगता है विंटर के एंड में और इस पॉइंट में पॉइंट ने बताया है कि विंटर कैसे अफेक्ट करती है इंसानों को इस नेचर को और दुनिया में रहने वाले जीव जंतुओं को चाहे फिर एनिमल्स हो या कोई भी नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक Now is the globe shrunk टाइट सर्दी की वजह से जमीन सिकुड़ चुकी है जैसे कि आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा राउंड द माउस विंटरिंग हार्ट चूहे की धड़कन भी धीमी हो चुकी है यहाँ पे माउस का यूज एज एग्जाम्पल हुआ है जैसे आपने देखा होगा कि माउस कितना फुर्तीला कितना एक्टिव जीव है और विंटर की वजह से उसकी धड़कन भी डल हो चुकी है विजल एंड क्रो एज इफ मोल्टेड इन ब्रास विजल और क्रो जो सर्दी सहन कर सकते हैं वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और सर्दी से वो इतना अकड़ गए हैं कि जैसे ब्रास के बने हों ब्रास का मतलब है यहाँ पे मेटल के मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस मूव करते हैं वो अंधेरे में नॉट इन देर राइट माइंड लेकिन अपनी खुशी से नहीं विद द अदर डेथ्स जैसे सर्दी से लोग मर रहे हैं तो ये देख के जीव जंतु भी परेशान हैं कि कहीं अब हम भी ना मर जाएं। शी टू परसू हर एंड यहाँ पे शी का मतलब है अर्थ या आप नेचर भी बोल सकते हो कि नेचर को पता है कि उसने अपने गोल को कैसे अचीव करना है ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ नेचर ब्रूटल है मतलब जालिम है एज द स्टार्स ऑफ दिस Month, उन तारों की तरह जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते हर हर पेल हेड हैवी मेटल। पे यूज़ हुआ है स्नोड्रॉप के लिए और पेल का मतलब है कलरलेस कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्नो ड्रॉप एक व्हाइट कलर का फ्लावर होता है जो कि विंटर के एंड में उगता है अब उस फ्लावर का हेड इतना हैवी हो चुका है मतलब जम चुका है सर्दी की वजह से जैसे कि वो एक मेटल का बना हो now come to the question answers. question first, how has nature shrunk the globe? nature has shrunk the globe by the toughness and brutality of winter. सर्दी की वजह से ज़मीन भी सिकुड़ चुकी है। it has restricted the movement of all animals as they live in the fear of death. और animals भी यहाँ से वहाँ move नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं सर्दी के कारण हम मर ना जाए क्वेश्चन सेकेंड वट हैज डल द माउस हार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउस का हार्ट डल हो गया था किसकी वजह से विंटर की वजह से द एक्टिव माउस हार्ट हैज़ बीन डल्ड एंड डीएक्टिवेटेड बाय द चिली हार्श विंटर हु अदरवाइज इज अ वेरी लाइवली क्रिएचर क्वेश्चन थर्ड वट सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडर गो इन दिस पॉइंट Animals undergo many sufferings in the winter. Animals feel very dull in winter. कि जानवर बहुत sust ho चुके थे winter की वजह से They are frozen with cold and die. सर्दी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसकी वजह से वो मर रहे थे दे फाइंड नो प्लेस फॉर शेल्टर उन्हें कोई जगह भी नहीं मिल रही थी रहने के लिए दे नो no longer scurry और फ्लाई ना वो बाग दौड़ पा रहे थे और ना ही वो उड़ पा रहे थे दे सी डेथ ऑल अराउंड देम बस उन्हें एक ही डर था कि कहीं सर्दी हमारी जान ना ले ले। क्वेश्चन फोर्थ हर पेल हेड हैवी एज मेटल एक्सप्लेन हर स्टैंड फॉर स्नो ड्रॉप हेयर इट इज लाइक अ बेल इन इट्स शेप विद अराउंड हेड। पेल हेड इज क्वाइट हैवी एंड कीप्स हैंगिंग डाउन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में फोटो भी दिखाई थी कि ये एक वाइट फ्लावर होता है जिसका हेड नीचे की तरफ झुका होता है इट सीम्स टू बी मेड ऑफ सम हैवी मेटल अब वो मेटल की तरह क्यों लग रहा था क्योंकि वो सर्दी से बर्फ से हैवी हो चुका था और जम गया था बट दिस हैवीनेस ऑफ हिट्स हेड इज द सीक्रेट ऑफ हर स्ट्रेंथ एंड टू द पॉइंट द स्नो ड्रॉप इज अ सिंबल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़ जाए स्नोड्रॉप एक ऐसा फ्लावर है जो मुर जाता नहीं है तो ये थी पॉइंट स्नोड्रॉप इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू